बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं जो आपके लिए गाड़ी लेकर आया हूं ये है सुजुकी लियाना RXi। मॉडल की अगर बात की जाए तो 2007 मॉडल है व्यूअर्स। तकरीबन मेहरान के रेट में आपको ये बड़ी गाड़ी मिल रही है। आज मैं आपको उस गाड़ी के बारे में डिटेल से बताऊँगा। गाड़ी के बारे में मुकम्मल डिटेल देने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आपने हमारा चैनल शान सेलर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और साथ लगे घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लेना है ताकि आपको इस तरह की कार सेल्स रिलेटेड मजीद वीडियोस बिलाना का मौसूल होती रहे। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, आज की जो गाड़ी है ये है सुजुकी लियाना RXi। मॉडल की अगर बात की जाए तो 2007 मॉडल है व्यूअर्स। गाड़ी की अगर फ्यूल की बात की जाए तो ये गाड़ी पेट्रोल एंड CNG दोनों पर है, लेकिन गाड़ी के ओनर का कहना है कि गाड़ी ज़्यादातर पेट्रोल पे ही इस्तेमाल में रही है। अब अगर व्यूअर्स गाड़ी की कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन वाइज गाड़ी जो है बिल्कुल मिंट कंडीशन कार है। गाड़ी पर आपको एक्सटीरियर वाइज बॉडी पर किसी किस्म का कोई भी स्पॉट या कोई भी निशान वगैरह नहीं नज़र आता। एक्सटीरियर वाइज गाड़ी जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन कार है। गाड़ी के ओनर कहना है कि गाड़ी का जो एक्सटीरियर है इस पे आपको जो है मामूली सी दो तीन टचअप्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गाड़ी जो है टोटली अपनी जेन्युइन कंडीशन में है, जेन्युइन पेंट में है। जी हां व्यूअर्स, इसके अलावा गाड़ी में जो है न्यू टायर और अलॉय रिम्स वगैरह इंस्टॉल हैं। ओवरऑल गाड़ी का जो एक्सटीरियर लुक है बिल्कुल 9/10 कंडीशन इसका एक्सटीरियर लुक है। अब अगर इस गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो गाड़ी के ओनर का कहना है कि गाड़ी का जो इंजन है वाटर थ्रोइंग इंजन है। मैकेनिकली गाड़ी 100% फिट है। मैकेनिकली गाड़ी में किसी किस्म का कोई भी काम होने वाला नहीं है। गाड़ी की तमाम सस्पेंशन 100% ओके है और वर्किंग हालत में है। व्यूअर्स, अब अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर वाइज ये गाड़ी पावर स्टेयरिंग और पावर विंडोज के साथ है। इसके अलावा गाड़ी की ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। व्यूअर्स, गाड़ी की अगर बैक ट्रंक की बात की जाए तो गाड़ी का जो बैक ट्रंक है ये आपको 100% अपनी जेन्युइन सीलों में देखने को मिलता है। व्यूअर्स, इंटीरियर वाइज भी ये गाड़ी जो है 100% अपनी जेन्युइन सीलों में है, जेन्युइन कंडीशन में है। इसके अलावा गाड़ी की जो फ्रंट हेडलाइट्स हैं ये आपको हैलोजन बल्ब में देखने को मिलती हैं और व्यूअर्स गाड़ी का जो फ्रंट बंपर है इसमें आपको LED फोग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल व्यूअर्स, गाड़ी का जो एक्सटीरियर है बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक्सटीरियर लुक है। इंटीरियर और एक्सटीरियर वाइज गाड़ी जो है बिल्कुल 9/10 कंडीशन ये कार है। व्यूअर्स, अगर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात की जाए तो गाड़ी की जो फाइल और कॉपी है बिल्कुल ओरिजिनल है और इनके पास अवेलेबल है। व्यूअर्स, गाड़ी की जो है ओरिजिनल पासपोर्ट बुक जो है इनके पास अवेलेबल है। गाड़ी की ओरिजिनल नंबर प्लेट्स जो है इनके पास अवेलेबल है। व्यूअर्स, ये गाड़ी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर के यूज़ में रही है इसलिए आपको ये गाड़ी जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आती है और व्यूअर्स जो गाड़ी है अपने मॉडल के हिसाब से बहुत कम चली हुई है। व्यूअर्स, अगर गाड़ी की प्राइस की बात की जाए तो इस गाड़ी की जो कॉलिंग प्राइस मांगी गई है ये तकरीबन 8,35,000 रुपये इस गाड़ी की कॉलिंग प्राइस है और गाड़ी के ओनर का कहना है कि आप अपने साथ डेंटर पेंटर या कोई भी एक्सपर्ट बंदा ला सकते हैं और गाड़ी की मुकम्मल तसल्ली के बाद गाड़ी की डील कर सकते हैं। गाड़ी की प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो व्यूअर्स, आपको अगर गाड़ी पसंद है और आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गाड़ी के ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दिया है, आप उस नंबर पर कॉल करके गाड़ी के मालिक से राबता कर सकते हैं। व्यूअर्स, गाड़ी की जो लोकेशन है पेशावर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।